हाय गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला हूं बिलासपुर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर, जहां जंगलों और पहाड़ों के बीच में एक प्यारा सा डैम है, जहां की प्रकृति का अद्भुत नज़ारा दिखने को मिलता है। और आप शहर के भीड़ भाड़ और प्रदूषण वाली ज़िंदगी से थोड़ी राहत चाहते हैं तो आपको इस स्थान पर ज़रूर जाना चाहिए। इस यात्रा में हम लोग कुल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं और इसके लिए हम अपना स्कूटी घर से लेकर निकले हैं और अपने हेलमेट के ऊपर अपना GoPro कैमरा को माउंट कर लिया है। दोस्तों, जब से GoPro कैमरा लिया है तब से ही मैं मोटो ब्लॉगिंग के बारे में सोच रहा था, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज मैं अपनी स्कूटी लेकर निकल गया और चल दिया मानसून में इस प्यारे से प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो मैं इस प्लेस पर दो बार पहले भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ पिकनिक मनाने जा चुका हूं, क्योंकि यह एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनोज आप लोग का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कोरी डैम कोटा के बारे में, जो कि बिलासपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर डैम बना हुआ है, जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। और यहाँ पर चारों तरफ घने जंगलों के बीच में बसा ये डैम बहुत ही सुंदर, प्रकृति प्रेमियों को बहुत ही भाता है। और ठंड के मौसम में यहाँ पर बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, और बरसात के मौसम में आप यहाँ के सुंदर ब्यूटी को देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर आ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा घना जंगल है, घने जंगल के बीच में आपको इस डैम को देखना, और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ यह डैम बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही मनमोहक लगता है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, छुट्टियों का समय बिताने के लिए आ सकते हैं। अगर आप जीरो पॉल्यूशन जोन में कुछ देर बिताना चाहते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं लेना चाहते हैं और इन सभी चीज़ों को, हरियाली को देखना चाहते हैं, तो आप यहां पर ज़रूर आ सकते हैं। तो आप कोरी डैम कैसे पहुंच सकते हैं, और यहां पर जो डैम बना हुआ है वो चारों तरफ से घने जंगलों के बीच में है और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही फेमस प्लेस है यहाँ पर, तो आपको ज़रूर आना चाहिए और इन सभी प्लेसेस को देखना चाहिए। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, बोटिंग की भी व्यवस्था है। तो बिलासपुर ज़िले के कोटा तहसील का एक बहुत ही खूबसूरत जलाशय कोरी जलाशय या घोंघा जलाशय के नाम से बिलासपुर ज़िले का एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है। यह जलाशय बिलासपुर ज़िले के कोटा तहसील में स्थित है, जो बिलासपुर से 36 किलोमीटर और कोटा से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए कार या बाइक का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर करगी रोड नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेन से भी आते हैं और यहाँ से ऑटो या ई रिक्शा के माध्यम से इस खूबसूरत जगह पर पहुँच जाते हैं। बिलासपुर के इस खूबसूरत डैम पर नए साल, माघ पूर्णिमा और साल के अन्य मौक़ों जैसे मानसून में काफ़ी भीड़ होती है। पिकनिक के लिए यह बिलासपुर ज़िले का काफ़ी प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है। यहाँ नए साल में लोगों की भीड़ देखने लायक होती है। तो क्या हालचाल है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ। देख सकते हैं पीछे में कितना हरियाली है, और ये है जंगल कोटा, करगी रोड कोटा का। और देख सकते हैं बिलासपुर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही घना जंगल है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं एंजॉय करने के लिए और आप लोगों को हम दिखाएँगे। देखिए पीछे लंबे लंबे से वृक्ष हैं, घने घने से वृक्ष है और ये बहुत ही घना जंगल है। तो चलिए आगे लेके चलते हैं और फिर आप लोगों को आगे दिखाएँगे। बहुत ही सारा नॉइज आ रहा होगा वीडियो में, आवाज़ क्लियरिटी नहीं आ रही होगी। और ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए, दूसरे साइड पर हैं और हम लोग एकदम घने जंगल के बीच में हैं। और घने जंगल में ये सभी व्यूज को देखना बहुत ही, मतलब प्रकृति में है, प्रकृति की गोद में हम लोग खो गए हैं। अभी देख सकते हैं सामने में जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ दिख रही हैं और बहुत ही लंबी पहाड़ियाँ, मेघालय जो पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। और इधर में बाज भी उड़ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए पानी की जो धारा है, बहुत ही तेज हवा चल रही है और इधर सामने में लोग मछली भी मार रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा क्या है। और ये है जो डैम का जो बांध है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डैम का जो बांध है ऐसे सर्किल में इसको बांधा गया है। दो पहाड़ियों के बीच का जो पानी है उसको यहाँ पर संचय करके रखा गया है। तो बहुत ही, मतलब हम लोग एकदम क्या ही बोले आपको, हम लोग भूल गए हैं यहाँ प्रकृति के नज़ारे के बीच में। और आप भी आ सकते हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। ऐसे तो ठंड के मौसम में यहाँ पर बहुत सारे पिकनिक चलते रहते हैं, कैंपिंग होती रहती है,
दिख रहा है और अच्छा जा रहा है, तो मेरा तो मन एकदम खुश हो गया। बिलासपुर का यह जलाशय घोंघा जलाशय के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस जलाशय का निर्माण 1981 में करवाया गया था और 2003 से यह लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। यह एक इरिगेशन डैम है, अर्थात सिंचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला जलाशय। इस जलाशय की क्षमता 30,000 क्यूबिक टन जल भराव से भी ज़्यादा है। बरसात के समय इस जलाशय में काफ़ी पानी भरा होता है जो सरप्लस वियर से ओवरफ्लो को सपोर्ट करता है। यहाँ मानसून में जलाशय के ओवरफ्लो को देखने के लिए उमड़ी भीड़ के हिसाब से यह बिलासपुर के लोकप्रिय पिकनिक स्पॉटों में से एक है। बिलासपुर के कोटा का यह जलाशय बिलासपुर जिले और छत्तीसगढ़ का अनऑफिशियल पक्षी विहार भी है। छत्तीसगढ़ में बाहर राज्यों से आने वाले पक्षी कोटा के इस घोंघा जलाशय में दिसंबर और जनवरी के माह में आना पसंद करते हैं। इसके महत्वपूर्ण कारणों में से एक है इस जलाशय में पानी अच्छी मात्रा में होता है, साथ ही इसके आसपास का एरिया पेड़ों से और जंगल से घिरे होने के कारण पक्षियों के रहवास के लिए अच्छा वातावरण तैयार करता है और खाने के लिए भी इस जलाशय में प्रचुर मात्रा में मछलियों का भंडार है। यहाँ साल में बीच में आने वाले प्रवासी पक्षियों में बिल स्टार्क, रेड हेडेड, ग्रेन हेडेड आदि पक्षी शामिल है। इनके अलावा यहाँ वन विभाग को पक्षियों की लगभग 130 प्रजातियाँ भी देखी गई हैं। दोस्तों, आज की इस यात्रा को करने के लिए हम अपनी स्कूटी, ये देख सकते हैं, इस स्कूटी के साथ आए थे और यात्रा करना बहुत ही सुखद लगा। सोचे आज थोड़ा सा स्कूटी से ही घूम के आते हैं, 50 से 60 किलोमीटर हम लोग का रनिंग हो जाएगा, 60 के ज़्यादा ही हो जाएगा। और स्कूटी से पहला एक्सपीरियंस है कि 60 से 70 किलोमीटर स्कूटी को चलाना कैसा लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्कूटी पे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बाइक में आपको गियर चेंज करो तो ये करो पर वो भी अच्छा होता है, नया रहता है, परफेक्ट रहता है, लेकिन इसमें तो मुझे अच्छा लगा। आप अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। दिखाएंगे थोड़ा ये काफी छोटा फल है, ये बड़ा होने से बहुत ज्यादा इसमें ग्लूकोज होता है, बहुत ही मीठा होता है। जस्ट लाइक चीकू, इसको अभी बीच से काट के देखते हैं तो 4 या 5 की देख सकते हैं। अभी हम लोग मछली का जो भोजन होता है उसको बना रहे हैं, और मछली का भोजन बनाने के लिए जो हमारा पार्टनर है ये क्या क्या